कितने टाइम में और कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव किए, कौन से रिसोर्सेज थे और टाइम कितना था? इंग्लिश हम लोगों की जैसे होती है, आप लोगों की इंग्लिश एक ऑब्वियसली एक एवरेज एक नॉर्मल इंग्लिश है, जो थोड़ी सी वहां पे आपको जब आप उधर पेपर में लिखते हो तो आपको एक्सप्रेशन अपना बेहतर करना पड़ता है, उसके लिए गुड बुक्स और अच्छी तरह आपने बहुत ज्यादा लिखना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो हमारा यहाँ पर था कि जब हम सिक्स में भी होते थे तो वी यूज टू रीड पेपर डेली द डॉन। मेरी एक दोस्त थी, उसको बहुत शौक था अखबार का, तो वो तो पूरा पढ़ती थी, मैं सिर्फ ओपिनियन जो है ना वो जरूर देख लिया करती थी। इसी तरीके से फोन के अंदर मैंने सारी एप्स इंस्टॉल की हुई थी, ये मैं सीख्स की बात कर रही हूँ, बीबीसी अलजजीरा, मतलब लाइक आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप इतना इनोवेशन हो गई है कि आप अपने इंटरेस्ट को बड़े आराम से परस्यू कर सकते हो। और अब इंफॉर्मेशन और डेटा के अभी इस तरह का कोई मसला नहीं है, आपको सारी चीजें अवेलेबल है। तो जहां तक पढ़ने की बात है, अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ें, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, उससे आप देखेंगे कि आपका एक तो एक आपकी थॉट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, आपका जो यहाँ का जो लेवल है ना वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ होती है ना, जैसे हमारी मेंटल हेल्थ भी होती है। अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छा लिटरेचर पढ़ने से आप देखेंगे आपकी व्यूज डेवलप होना स्टार्ट होंगे, आपके अंदर टॉलरेंस आना स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी चीजें जो है वो पढ़ने से आती हैं, और ये आपका प्रोसेस जारी रहता है अनलेस आपकी, अगर आप रीडर हैं, एक अच्छे रीडर हैं और एक अच्छे राइटर हैं, तो मेरे ख्याल में आप की डेथ जो होती है फिजिकल डेथ हो जाती है, बाकी आपकी जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है। मतलब आई थिंक रीडर्स एंड राइटर्स नेवर डाई, देयर इज ओनली अ ट्रांसफॉर्मेशन। सो एक वही बात आ गई, अगर आप अच्छा लिटरेचर पढ़ेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ें और साइंस फिक्शन पढ़ें, अगर आपको दूसरी नॉन फिक्शन बुक्स पसंद है तो वो पढ़ें अपने फ्री टाइम में, लेकिन रीडिंग इज द बेस्ट थिंग टू एक्चुअली इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स।